अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इन दिस रिस्पेक्ट वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 8 दैट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस चैप्टर इज नेम्ड एज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इससे पिछली वीडियोज के अंदर जो है वो इस चैप्टर हर टॉपिक को जो है वो डीपली स्टडी किया था, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज के ऊपर भी इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यानी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज को जो है वहां पे डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो और देखते हैं कि व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें हमें 8 से 10 जो है वो IUPAC नेम्स दिए गए हैं जिससे हमने उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो ड्रॉ करना है। इन ऑर्डर टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स IUPAC नेम वी हैव टू फॉलो अ सेट ऑफ रूल। सो अकॉर्डिंग टू दैट सेट ऑफ रूल जो फर्स्ट रूल है वो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसमें पेरेंट चेन जो है IUPAC नेम के अंदर उसको आइडेंटिफाई करना है। वो हम किस तरह से करेंगे, वी जस्ट हैव टू लुक ऑन द नेम और उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे कोई लैटिन और ग्रीक न्यूमेरल प्रेजेंट है। सो जो लैटिन और ग्रीक न्यूमेरल वहाँ पे प्रेजेंट होगा वो इंडिकेट करेगा अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको जो IUPAC नेम है उसको बड़े क्लीनली ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद उसमें हमने लैटिन और ग्रीक न्यूमेरल जो है वो उसको फाइंड आउट करना है जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम की जो है वो चेन प्रेजेंट है। सो जब हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पता चलेंगे सो नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो हमने आइडेंटिफाई करनी है द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम वी जस्ट हैव टू लुक ऑन द IUPAC नेम अगेन और उसमें हमने जो है वो यूजली उसके जो लास्ट के 3 अल्फाबेट होते हैं वो हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द इन दैट मॉलिक्यूल। यूजली ये आखिरी के 3 अल्फाबेट ही होते हैं लेकिन कुछ केसेस में ये इन बिटवीन द नेम भी होते हैं लेकिन वो बहुत स्पेशल केस होते हैं, लेकिन आमतौर पे जो होते हैं वो IUPAC नेम के जो लास्ट के 3 अल्फाबेट होते हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये तो होगी पेरेंट चेन की इंटरप्रिटेशन के पेरेंट चेन जो है वो उसको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और उसके अंदर जो बॉन्डिंग है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। सो ये जो दोनों रूल्स हैं इनके 2 टेबल्स हैं वो इससे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। जब हमें ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वी हैव टू ड्रा द कार्बन स्केलेटन ऑन पेपर और ऑन स्क्रीन। सो हम उसको ड्रा करेंगे ऑन पेपर और उसके बाद हमें क्या करना है कि उसको नंबर देना है फ्रॉम आइदर एंड, किसी भी एंड से हम उसको नंबरिंग देंगे आइदर फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द लेफ्ट। ये इसमें जरूरी नहीं है कि किस एंड से जो है वो हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, वो इस केस में जरूरी होता है जब हमने स्ट्रक्चर फार्मूला से नेम को अखज करना हो। हमने यहाँ पे नेम से स्ट्रक्चर फार्मूला पे जाना है तो इसमें हमारे पास कोई कैद नहीं है कि कौन सी जो एंड है उससे हमने नंबरिंग को स्टार्ट करना है। तो जब हम नंबरिंग कर लेंगे तो नंबरिंग करने के बाद अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 वी जस्ट हैव टू अटैच द सब्सिट्यूएंट ऑन दैट रिस्पेक्टिव कार्बन एटम। IUPAC जो नेम होता है हमारे पास उसमें ईच एंड एवरी सब्सिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो बहुत वाजे होती है कि कौन सी कार्बन एटम के ऊपर कौन सा सब्सिट्यूएंट जो है वो प्रेजेंट है। तो जब हमारे पास कार्बन एटम की चेन होगी और उसकी नंबरिंग भी हो जाएगी तो उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके ऊपर सब्सिट्यूएंट जो है वो उसको अटैच करना है अकॉर्डिंग टू इट्स IUPAC नेम। तो जब हम सब्सिट्यूएंट अटैच कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 6 हमने क्या करना है कि जितनी भी वैलेंसीज जो है वो कार्बन एटम की बाकी बचेंगी उनको हम फुलफिल करेंगे विद हाइड्रोजन एटम। तो ये है एक हमारे पास सेट ऑफ रूल जिसके अकॉर्डिंगली हमने नेम्स ए स्ट्रक्चर तक जाना है। तो इसमें एक दफ़ा इसको फिर से रिकॉल करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है आइडेंटिफाई करने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, उसके बाद उसकी टाइप ऑफ बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद जो है उसको ड्रा करेंगे ऑन पेपर और फिर उसके ऊपर नंबरिंग करने के बाद उसमें हमने सब्सिट्यूएंट्स को अटैच कर देना है एट द रिस्पेक्टिव कार्बन एटम। तो आफ्टर अटैचिंग या सब्सिट्यूट एट द रिस्पेक्टिव कार्बन एटम फिर हमने क्या करना है कि जितनी भी कार्बन एटम्स की जो वैलेंसीज हैं जो फुलफिल नहीं हुई हैं उनको हमने फुलफिल करना है विद हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह की फ्रेज जो है वो नेम के अंदर प्रेजेंट होगी, तो उसका क्या मतलब है कि उसके अंदर कितने कार्बन एटम जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है और जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम।
सो अगर पेरेंट नेम के अंदर जो फ्रेज जो है वो मेथ की प्रेजेंट है तो दैट इंडिकेट्स देयर इज ओनली वन कार्बन एटम इन दैट कंपाउंड. अगर वहाँ पे एथ प्रेजेंट है तो दैट इंडिकेट्स देयर इज अ टू कार्बन चेन, और उसके बाद प्रोप है तो तीन कार्बन की चेन है, ब्यूट है तो चार की है, और इसी तरह से जैसे जैसे ये फ्रेजेस बदलती जाएंगी वैसे वैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो वहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे. पेंट का मतलब होता है 5, हेक्स का मतलब होता है 6, और हेप्ट का मतलब है 7, ऑक्ट का मतलब है 8, नॉन का मतलब है 9, और डेक का मतलब है 10. सो ये हो गए हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, किस तरह से हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को जो है वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. कोई भी अगर हमें कंपाउंड का नेम दिया जाएगा तो उसमें हमने ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास कौन सी फ्रेज जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है. जो फ्रेज इनमें से वहाँ पे प्रेजेंट होगी तो वो हमें इंडिकेट कर देगी कि इसके पास इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम वहाँ पे प्रेजेंट है. तो दूसरा रूल क्या था हमारे पास, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. सो उसके लिए जो है वो ये वाला टेबल हम यूज़ करते हैं. इसमें क्या है कि अगर IUPAC नेम के जो आखिरी के तीन अल्फ़ाबेट हैं वो ANE हैं तो दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम, और अगर ENE है तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे एटलीस्ट जो है वो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाजमी प्रेजेंट है, जिसकी पोजिशन भी IUPAC नेम के अंदर जो है वो बताई गई होगी. उसके बाद जो है YNE होगा, तो YNE का मतलब क्या है कि वहाँ पे YNE का मतलब है कि वहाँ पे एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है. सो ये हो गई पेरेंट चेन की इंटरप्रिटेशन, और इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, रूल नंबर 3, 4, 5 और 6 को अप्लाई करते हुए उसको जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला वहाँ पे ड्रा कर देना है. सो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है हमारे पास उसमें क्या है पूछा गया है हमें कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 2-methyl propane. अब इसका जो IUPAC नेम है इसमें प्रॉप का जो है वो फ्रेज यहाँ पे प्रेजेंट है. प्रॉप की फ्रेज प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि तीन कार्बन एटम की चेन जो है वो यहाँ पे नेसेसरी है, और उसके बाद जो इसके लास्ट के तीन अल्फाबेट हैं वो हमारे पास क्या है, एन यानी ANE, और ANE से मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, कि सारे के सारे जो बॉन्ड हैं इसमें वो कौन से हैं, सिंगल हैं. सो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल 3 अब हमने क्या करना है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये कार्बन का जो स्केलेटन है उसको ड्रॉ करना है. तो ये हो गई हमारे पास तीन कार्बन एटम की चेन जिसमें तमाम बॉन्ड जो है वो कौन से हैं, सिंगल. और उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 क्या था कि हमने उसको नंबरिंग देनी थी फ्रॉम आइदर एंड. सो आफ्टर नंबरिंग ये हो गया हमारे पास, अब हमने क्या है कि IUPAC नेम में जो है वो उसकी सब्सिटेंट की पोजीशन कौन सी है, 2-methyl. सो यानी ये हमें बता रहा है कि सेकेंड कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल. सो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 अब हमने क्या करना है कि सेकेंड जो कार्बन एटम है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप को अटैच करना है. नेक्स्ट जो रूल नंबर 6 है उसमें हमने क्या करना है कि जितने भी जो वैलेंसीज जो है वो कार्बन की फुलफिल नहीं हुई उनको हमने क्या करना है, विद हाइड्रोजन एटम फुलफिल करना है. आफ्टर फुलफिलिंग द वैलेंसीज विद हाइड्रोजन एटम ये होगा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, जिसमें जो है तीन कार्बन एटम की चेन है जिसमें सेकेंड कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप. तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट 1. सो जो सेकंड पार्ट है हमारे पास दैट इज 3-ethyl pentane. सो 3-ethyl pentane में क्या है कि पेंट की फ्रेज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पेंट मींस 5 कार्बन एटम की चेन है और ANE प्रेजेंट है एट द एंड. सो ANE इंडिकेट्स दैट सिंगल बॉन्ड जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है. जब हम इसको अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3 ड्रा करेंगे तो ड्रा करने के बाद ये होगी हमारे पास कार्बन स्केलेटन, और रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग जब हम इसको नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग देने के बाद ये हमारे पास सिचुएशन आएगी. क्योंकि 3 की पोजीशन के ऊपर इथाइल सब्सिट्यूएंट को अटैच करना है तो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 जब हम इसमें 3 पोजीशन पे इथाइल को अटैच करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी, और फिर हमने इसमें क्या करना है कि बाकी के जो कार्बन एटम की वैलेंसीज बाकी रह गई हैं उनको क्या करना है, फुलफिल करना है विद हाइड्रोजन एटम. सो आफ्टर फुलफिलिंग द वैलेंसीज विद हाइड्रोजन एटम ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द 3-ethyl pentane का. नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे हमें दिया गया है जिसमें 4-ethyl, 3-4-dimethyl heptane जो है वो यहाँ पे हमने ड्रा करना है. सो चूँकि जो है वो हेप्ट की फ्रेज यहाँ पे प्रेजेंट है, सो हेप्ट इंडिकेट करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम को, अबाउट 7 कार्बन एटम, और ANE वहाँ पे प्रेजेंट है तो ANE जो है वो इंडिकेट करता है अबाउट सिंगल बॉन्ड. सो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3 जब हम उसको ड्रा करेंगे तो ये हो गया हमारे पास कार्बन स्केलेटन, और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 जब हम उसको नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग देने के बाद ये हो जाएगी हमारे पास उसकी कार्बन चेन की पोजीशन,
अब इसकी पोजीशन के कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर सब्सिटेंट अटैच करना है, फोर पोजीशन पे क्या है इथाइल है और थ्री और फोर पे क्या है डो मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो आफ्टर अटैचिंग द सब्सिटेंट ये हो गया हमारे पास कार्बन स्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है। और अब हमने इसमें क्या करना है कि जितने भी कार्बन एटम बाकी बचे हैं या जो भी वैलेंसीज कार्बन एटम की रह गई हैं उनको हमने फुलफिल करना है विद हाइड्रोजन एटम। सो आफ्टर फुलफिलिंग द वैलेंसीज विद हाइड्रोजन एटम दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ 4-ethyl-3,4-dimethyl-heptane। इसी तरह से जो अगला पार्ट है हमारे पास दैट इज 2-2-3-4-tetramethyl-pentane। सो इसमें फ्रेज कौन सी है पेंट की है, तो पेंट मीन्स 5 कार्बन एटम और ए एन ई प्रेजेंट है, तो ए एन ई मीन्स सिंगल बॉन्डिंग जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। जब इसको ड्रा करेंगे सो ये हो गया हमारे पास कार्बन स्केलेटन का स्ट्रक्चर। और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 जब इसको हमने क्या करना है नंबरिंग देनी है, और नंबरिंग देने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास। और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का अटैच करना है एट 2, 2, 3 और 4, यानी इसमें हमने टोटल 4 जो है वो मिथाइल ग्रुप्स को अटैच करना है। सो आफ्टर अटैचमेंट ये हो गया हमारे पास उसका स्ट्रक्चर जिसमें 2, 2, 3, 4 टेट्रा मिथाइल जो है वो अटैच हो चुके हैं। अब जो बाकी के कार्बन एटम्स की वैलेंसीज बाकी रह गई हैं उसमें हम क्या करेंगे उनको फुलफिल करेंगे विद हाइड्रोजन एटम। और एट द एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ 2, 2, 3, 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका दैट इज 4-isopropyl-heptane। सो हेप्ट का मतलब है कि 7 कार्बन की चेन है और ए एन ई प्रेजेंट है, तो दैट इंडिकेट्स अ सिंगल बॉन्डिंग जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। सो अकॉर्डिंग टू रूल 3 जब हम उसको ड्रा करेंगे तो ये हो गया हमारे पास कार्बन स्केलेटन। अब हमने क्या करना है कि इसको नंबरिंग देनी है, और नंबरिंग देने के बाद ये हो गई कार्बन एटम्स की पोजीशन। 4 पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो वहाँ पे अटैच है। सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 जब हम उसको अटैच करेंगे तो ये हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। अब रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि उसकी वैलेंसीज जो बाकी रह गई हैं उनको फुलफिल करना है विद हाइड्रोजन एटम। सो आफ्टर फुलफिलिंग द वैलेंसीज विद हाइड्रोजन एटम दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ 4-isopropyl-heptane। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास दैट इज 2-2-dimethyl-butane। क्योंकि ब्यूट की फ्रेज प्रेजेंट है दैट इंडिकेट्स ओनली 4 कार्बन एटम, और ए एन ई है तो दैट इंडिकेट्स द देयर इज अ सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एटम। सो जब हम उसको ड्रा करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल 3 सो दिस विल बी द कार्बन स्केलेटन। और रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग जब उसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने के बाद ये हो जाएगी कार्बन एटम्स की पोजीशन। अब हमने उसके ऊपर सब्सिट्यूएंट को अटैच करना है, 2 मिथाइल ग्रुप जो अटैच करने हैं एट सेकेंड कार्बन एटम। सो दिस विल बी द एट द एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ 2-2-dimethyl-butane। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास दैट इज 2-2-dimethyl-propane। सो चूंकि ये कंपाउंड है इसके नेम के अंदर प्रोप की फ्रेज प्रेजेंट है, तो दैट इंडिकेट्स दैट 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, और ए एन ई जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि सिंगल बॉन्ड जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। और उसके बाद जब हम उसको ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कार्बन स्केलेटन। और आफ्टर नंबरिंग जो है दिस विल बी द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम्स। और अब हमने इसके ऊपर जो है वो सब्सिट्यूएंट को अटैच करना है, तो सब्सिट्यूएंट को अटैच करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास उसका स्ट्रक्चर। एट द एंड जो है वह हमने उसमें जो बाकी वैलेंसीज रह गई हैं कार्बन एटम्स की उसको फिलफिल करना है विद हाइड्रोजन एटम। सो एट द एंड जो है दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ 2-2-dimethyl-propane। जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का दैट इज नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या है हमारे पास, नियोपेंटेन इज द कॉमन नेम ऑफ 2-2-dimethyl-propane। सो 2-2-dimethyl-propane है, तो प्रोपेन से मतलब क्या है कि 3 कार्बन एटम की चेन है जिसके अंदर सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट है। सो जब हम उसको ड्रा करेंगे सो ड्रा करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास कार्बन स्केलेटन। अब हमने उसको नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग देने के बाद दिस विल बी द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम्स। और अब हमने सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो उसको अटैच करना है। सो आफ्टर अटैचमेंट दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द, और उसके बाद जो लास्ट का रूल है उसमें अब हमने क्या करना है कि जो कार्बन एटम्स की वैलेंसीज रह गई हैं उसको फुलफिल करना है विद हाइड्रोजन एटम। और दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन और 2-2-dimethyl-propane। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला फ्रॉम द IUPAC नेम ऑफ अ कंपाउंड। उसमें हमने 6 रूल जो है वो उसको फॉलो करना है। पहला रूल क्या है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हमने आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल।
और फिर उसके अंदर जो सेकंड रूल है उसमें क्या करना है कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ द लास्ट थ्री अल्फाबेट्स ऑफ द IUPAC नेम, और फिर उसमें हमने उसको ड्रा करना है ऑन पेपर, फिर उसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने के बाद उसके ऊपर जो सब्सिट्यूएंट्स हैं उसको अटैच करना है, और अटैचमेंट के बाद जितनी भी वैलेंसी जो कार्बन एटम की हैं वो फुलफिल ना हो रही होंगी उसको हमें फुलफिल करना है विद हाइड्रोजन एटम। सो इस तरह से हम जो है वो कोई भी कंपाउंड जो है वो उसको ड्रा कर सकते हैं ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ द इट्स IUPAC नेम। सो दिस इज द टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज रेगुलरली।